हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। माय टॉपिक इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। इट इंक्लूड सिलेबस ऑफ एमएससी सेमेस्टर सेकेंड, पेपर फर्स्ट, यूनिट थर्ड, प्रेजेंटेड बाय स्वप्ना मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट जाजवल्लदेव, नवीन गर्ल्स कॉलेज, जांजगीर। आप इमेज में देख रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है जिसमें उपस्थित हार्मोन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब GIH है क्या? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन आर पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय लार्जेस्ट डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के म्यूकोसा में पूरी डिस्ट्रीब्यूट रहती है डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे निकलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। लगभग 30 गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में उपस्थित है। इनका मुख्य कार्य है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को के सिक्रेशन को रेगुलेट करना और उसके मूवमेंट को रेगुलेट करना। साइट ऑफ एक्शन, तीन हार्मोन्स आहार नाल के एंडोक्राइन सेल से निकलते हैं हार्मोन्स। इनका सिक्रेशन पोर्टल सर्कुलेशन में आता है, उसके जरिए लीवर में आता है, फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जरिए ये टारगेट सेल्स में जाते हैं। दूसरा पैराक्राइन होता है, एंडोक्राइन सेल्स से निकलता है, डिफ्यूज़ होते हैं, सीधे टारगेट सेल में जाते हैं। तीसरा साइट न्यूरोक्राइन होता है, न्यूरॉन्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एक्शन पोटेंशियल होता है और टारगेट सेल्स तक जाते हैं। इस प्रकार तीन तरह से प्रोसेस होती है। अब एंडोक्राइन सेल्स हैं क्या? इनकी उत्पत्ति न्यूरोएक्टोडर्मल उत्पत्ति होती है, ये सरफेस पर प्रभाव डालते हैं। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन में 15 से ज़्यादा प्रकार की सेल्स होती हैं, जैसे जी सेल, एस सेल, के सेल, एम सेल आदि। सेल्स दैट मैन्युफैक्चर सेरोटोनिन इन एडिशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंट्रोक्रोमेफिन सेल्स, ये सब हैं एंडोक्राइन सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, इनको फैमिलीज में बांटा गया है। पहली है गैस्ट्रिन फैमिली, जिसमें गैस्ट्रिन हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन CCK, फिर सिक्रेटिन फैमिली जिसमें सिक्रेटिन हार्मोन, ग्लूकेगॉन, ग्लाइसिनिन, VIP, GIP। कुछ दूसरी फैमिलीज हैं जिसमें बहुत तरह के हार्मोन्स हैं, पेप्टाइड YY, गिरेलिन, मोटिलिन, सोमेटोस्टेटिन, न्यूरोटेंसिन, सब्सटेंस P, बोम्बेसिन, ग्लूकेगॉन, GRP आदि। अब गैस्ट्रिन हार्मोन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 1905 में जॉन सिडनी एटकिंस ने इसका एग्जिस्टेंस बताया था। 1964 में ट्रेसी और अल्फ्रेड जॉर्जी ने इसका आइसोलेशन किया। स्टमक के पाइलोरिक पोर्शन के जी सेल से ये रिलीज होते हैं, स्टमक डियोडिनम और पैनक्रियास जी सेल से ये रिलीज होते हैं। अमीन प्रिकर्सर अपटेक एंड डाइकार्बोक्सिलेज APUD सेल्स पॉलीपेप्टाइड, ये तीन तरह के गैस्ट्रिन होते हैं, गैस्ट्रिन 34, गैस्ट्रिन 14 और गैस्ट्रिन 17। 34 अमीनो एसिड से बना, 14 अमीनो एसिड से बना, 17 अमीनो एसिड से बना। पेंटागैस्ट्रिन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड होता है,
पांच अमीनो एसिड सीक्वेंस आइडेंटिकल टू द लास्ट फाइव अमीनो एसिड सीक्वेंस एट द सी टर्मिनल एंड ऑफ गैस्ट्रिन। स्टिमुलेशन फॉर रिलीज, स्टमक एंट्रम डिस्टेंशन, वेगल स्टिमुलेशन। इसके स्टिमुलेशन के लिए डाइटरी फूड, डाइजेस्टेड फूड सबसे ज़्यादा, प्रोटीन आवश्यक, हाइपर कैल्सीमिया। गैस्ट्रिन रिलीज इनहिबिटेड किससे होता है, किससे गैस्ट्रिन हार्मोन का बनना कम होता है, रिलीज होना? यदि स्टमक में HCL उपस्थित है तो गैस्ट्रिन का रिलीज इनहिबिट हो जाता है। सोमैटोस्टेटिन, सिक्रेटिन, GIP, VIP, ग्लूकागॉन एंड कैल्सिटोनिन, ये सभी गैस्ट्रिन के इन रिलीज को इनहिबिट्स करते हैं। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक एसिड और पेप्टिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। स्टमक में उपस्थित एंट्रल मसल्स की मोबिलिटी को प्रमोट करता है, इस प्रकार स्टमक के संकुचन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। प्ले अ रोल इन रिलैक्सेशन ऑफ इलियोसीकल वॉल्व, इंड्यूस्ड पैनक्रियाटिक सिक्रीशन एंड गॉल ब्लैडर एम्प्टी। हिस्टामिन सिक्रीशन, ECL सेल से हिस्टामिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रोकोलोनिक रिफ्लेक्स को इनिशिएट करता है। स्टिमुलेट मास मोमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब गैस्ट्रिन का रेगुलेशन, जैसे ही खाना भोजन स्टमक में आता है तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा स्टिमुलेट होता है, स्टमक का गैस्ट्रिक म्यूकोसा स्टिमुलेट होता है और गैस्ट्रिन हार्मोन उत्पन्न करता है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन सर्कुलेशन के द्वारा ब्लड से स्टमक की भित्ति में पहुंचता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकालने के लिए उद्दीप्त करता है। सिक्रीशन होता है, ये फूड में एसिड मिलता है, डियोडिनम में जाता है, डियोडिनम से फिर CCK, कोलिसेस्टोकाइनिन और GIP, ये इंसुलिन सिक्रेशन के लिए ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, ये CCK बाइल सिक्रीशन के लिए पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद इंटेस्टाइनल डाइजेशन फूड का होता है। इस प्रकार गैस्ट्रिन रेगुलेट करता है शुरुआत में फूड के डाइजेशन के लिए एंजाइम को सिक्रेट करने के लिए। डिजीजेस, सबसे पहले गैस्ट्रिनोमा, जब एक्सेसिव लेवल में गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होने लगता है तो ट्यूमर हो जाता है जिसको गैस्ट्रिनोमा कहते हैं, जिसको जोलिंगर इल्सन सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसके लिए पेंटागैस्ट्रिन टेस्ट किया जाता है। इसके बाद ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस, लो स्टमक एसिड सिक्रीशन, एलिवेशन ऑफ गैस्ट्रिक लेवल, ये है गैस्ट्रिक हार्मोन के डिसऑर्डर। अगला है कोलिसेस्टोकाइनिन PZ। ग्रीक में कॉली का मतलब बाइल, सिस्टो सैक, काइनिन मूव, मूव द बाइल सैक मीन्स गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का मूवमेंट। ऑफिशियली इसको पेनक्रियोजाइन CCK PZ कहते हैं। डियोडिनम और जिजोनियम की ग्रैन्युलर म्यूकोसल सेल्स
में एंट्रोएंडोक्राइन वन सेल से ये रिलीज होता है। इसको सबसे पहले 1943 में लाइवी और ओबेर्ग ने डिस्कवर किया था। सी सी के एंड गैस्ट्रिन शेयर द सेम 5C टर्मिनल अमीनो एसिड। सी सी के अपने नंबर ऑफ अमीनो एसिड से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जैसे सी सी के 58, 33, 22 और 8। मतलब 58 अमीनो एसिड, 33 अमीनो एसिड, 22 अमीनो एसिड, 8 अमीनो एसिड। सी सी के 58 हेलिक्स टर्न हेलिक्स कॉन्फ़िगरेशन का होता है और बायोलॉजिकली बहुत एक्टिव हार्मोन है। इसके फंक्शन बहुत सारे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, डाइजेशन, सेटिटी, न्यूरोलॉजिकल, एंजियोजेनिक, पेनिकोजेनिक, हेल्यूसिनोजेनिक। ये मोड ऑफ एक्शन में आप देख सकते हैं, सी सी के हार्मोन का स्त्रावण जब खाना स्टमक से निकलता है और हार्मोन जो गॉल ब्लैडर है उसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए उद्दीप्त करता है, इसके फलस्वरूप डियोडिनम में बाइल जाता है। तो स्टमक में खाना एसिडिक नेचर का होता है, पेनक्रियाज बेसिक नेचर पर पेनक्रियाटिक जूस वर्क करता है, तो सी सी के का काम है गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकाल करके मीडियम को बेसिक बनाना। ये स्टमक में गैस्ट्रिक एम्प्टी, पेनक्रियास, एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन सी सी के, ये फिर पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, इस प्रकार बैलेंस रहता है। अगला है हार्मोन सिक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन 1902 में डिस्कवर किया गया सर विलियम एम बेरलिस और अर्नेस्ट ने किया। डियोडिनम की एस सेल के द्वारा उत्पन्न होता है जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड में उपस्थित रहती है। प्रोसेक्रेटिन इज प्रिकर्सर ऑफ सेक्रेटिन विच इज प्रेजेंट इन डाइजेशन। लीनियर पेप्टाइड हार्मोन है जो 27 अमीनो एसिड से बनता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 3055। एक हेलिक्स बनता है, अमीनो एसिड पोजीशन 5 और पोजीशन 13 के बीच में हेलिक्स का निर्माण होता है। अमीनो एसिड सीक्वेंस लगभग सिमिलर होता है ग्लूकेगॉन वॉसो एक्टिव इंटरस्टिशियल पेप्टाइड एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड के साथ। सिक्रेटिन का फंक्शन है पाइलोरिक स्फिंक्टर को संकुचित करता है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और उसकी मोटिलिटी को रिड्यूस करता है। इसमें पेनक्रियाटिक सिक्रीशन रिच इन एंजाइम एंड HCO3 बाइकार्बोनेट आयन स्टिमुलेट बाइल सिक्रीशन। इन 2007 सिक्रेटिन वाज डिस्कवर्ड टू प्ले अ रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन बाय एक्टिंग ऑन द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड एंड किडनी। ये रेगुलेशन ऑफ सिक्रेटिन स्टमक, गॉल ब्लैडर, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन सर्कुलेशन में आ रहा है और ये पेनक्रियास पर अपना प्रभाव दिखा रहा है और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकल करके
लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। पेनक्रियास को उद्दीप्त करता है सिक्रेटिन। इसके स्त्रवण में बेसिक सॉल्ट अधिक होते हैं और एंजाइम कम होते हैं। सिक्रेटिन का मेन काम है पेनक्रियास को उद्दीप्त करना। अब इस स्ट्रक्चर में अपन देख सकते हैं इस चार्ट में गैस्ट्रिन GIP पेनक्रियास को स्टिमुलेट कर रहा है बीटा सेल से इंसुलिन रिमूव करने के लिए। अब GI हार्मोन्स, गैस्ट्रिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन, पॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन, कैरलिन हार्मोन, GLP, ग्लूकेगॉन लाइक प्रोटीन, GIP, पेप्टाइड, अप्लाइड फिजियोलॉजी हार्मोन की कमी से या हार्मोन की अधिकता से यदि कोई बीमारी हो रही है, जैसे कि हमने पढ़ा था जॉलिंजर एल्सन सिंड्रोम जो गैस्ट्रिन की अधिक मात्रा से ट्यूमर हो जाता है, वर्नर मॉरिसन सिंड्रोम पेनक्रियाटिक कोलेरा हो जाता है, कार्सिनोइड ट्यूमर ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफ्यूज एंट्रोक्रोमैफिन सेल्स इन सब म्यूकोस ऑफ इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड एंड अमीन सिक्रेटेड बाय कॉर्किनोइड ट्यूमर। तो इस प्रकार हमने देखा कि हार्मोन के डिसबैलेंस से कौन कौन से बीमारियां हो रही हैं। ये और कई हार्मोन हैं जिनके सोर्स और इफेक्ट हैं। GRP, VIP, VIP वॉसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, काइमोडेनिन, मोटिलिन 22 अमीनो एसिड, गार्लिन 28 अमीनो एसिड, ग्वानोलिन 15 अमीनो एसिड, सोमैटोस्टैटिन 22 अमीनो एसिड से बनता है, बोम्बेसिन पूरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है, विलिकिनिन जो विलाई में होता है, एंटरोगेस्ट्रॉन इलियम में, एंट्रोक्राइनिन इलियम में, पेनक्रियोजाइन ड्यूओडेनल म्यूकोसा में, सिरिलीज होता है, डियोक्राइनिन ड्यूओडेनल म्यूकोसा से रिलीज होता है। इसके इफेक्ट वीडियो लेक्चर को बनाने के लिए हमने जिन बुक्स का सहारा लिया है उसको रेफरेंस में हमने डाला है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। प्रेजेंटेड बाय स्वप्ना मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर जुलॉजी, गवर्नमेंट जाजवाले देव, नवीन गर्ल्स कॉलेज, जांजगीर।